ये हम बेसिकली तो नरवल तो नहीं ना जा रहे, हम लोग तो बेसिकली सियालपुर जा रहे हैं। फरीदाबाद जा रहे हैं उसके लिए क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, आपको पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पे हम लोग जो है अपना सफ़र शुरू किया छात्राबाग जंक्शन से, ये उसका दूसरा पार्ट। जा रहे हैं हम सियालकोट, सियालकोट से यही ट्रेन शाहीन पैसेंजर बनेगी और उसके बाद हम लोग इसी ट्रेन पे वज़ीराबाद जंक्शन पे उतरेंगे। मोहसिन फ्राम स्पंकी एक्सप्रेस और बिलाल फ्राम अक्सन ट्रेन्स इस सफ़र में मेरे साथ थे। हम लोगों ने इकट्ठे सफ़र प्लान किया था। मोहसिन इस सफ़र के लिए ख़ास तौर पर कराची से लाहौर आए थे और मैंने भी ये सफ़र नहीं किया हुआ था पहले, और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में भी सफ़र किए हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके थे। तो डिसाइड किया कि इस रूट को अडॉप्ट किया जाए, इस रूट पर चला जाए, तो चल निकले हम इस रूट पर। मौसम खुशगवार था, जुलाई था, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत था। ये आप बारिश देख सकते हैं, शदीद बारिश हुई हुई है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस जो लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रैवल किया था ऑन बाइक श्री रामपुरा कोट मोलचंद और काला हताई, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मौसम को बता रहे हैं हम लोग। और एक हमारी छोटी सी मीटिंग ड्यू है और इस इसी व्लॉग में हमारी मीटिंग भी होगी और मैं ज़्यादा देर आपसे और इस ट्रेन ट्रैवल में मखल नहीं रहूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ट्रैक साउंड बहुत ही खूबसूरत है, ऑल्दो कि स्पीड कम है और 5 लाइन है, इस पर देखना चाहिए। एक बहुत बड़ी जो एक मेजर ट्रेन जो सियालकोट से निकलती है और इस रूट पर ट्रैवल करती है, इस रूट पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। सियालकोट एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है और इस डिस्कशन के बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। उससे आगे आज देखेंगे कि क्या होता है। मतलब आपका भी फर्स्ट टाइम है सियालकोट में? और जहांगीर भाई से पूछते हैं ये कितनी दफा हुआ है? मैं सिर्फ बाइक्स पे गया हूँ, वो भी एक दो स्टेशन यहाँ तक आगे तक, जिसमें वो काला खताई का स्टेशन है वहाँ तक। उसके अलावा मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। मतलब सियालकोट वज़ीराबाद तक आप भी? ये मेरा पहला रूट, पहला ट्रैवल है इस रूट पर और सियालकोट तक भी पहला ही ट्रैवल होगा मेरा और शायद आखिरी भी इस ट्रेन पर। जो हालात चल रहे हैं माशाल्लाह, मैं पैदल चलूं तो पहले पहुंच जाऊं। कोई नहीं, आज कैसे मज़ा आएगा। एक तो चावल की फसल ज़रा बड़ी हुई ये, अच्छा ये एक सुकून हो गया कि वो ह्यूमिडिटी हबस का मौसम ख़त्म हो गया है, बारिश का मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है, तो हवा चल रही है, अल्लाह करे तेज़ बारिश हो ताकि और मज़ा आए सफर में। यानी कि हम तीनों पहली बार जा रहे हैं इस रूट पे हम लोग पहली दफा जा रहे हैं। आधा रूट मैंने कवर किया हुआ है यार, ऐसे ना करो। वो तो आधा किया हुआ है ना, फुल तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना आप सियालकोट तक। हाँ ये हम बेसिकली तो नरवल तो नहीं ना जा रहे, हम लोग तो बेसिकली सियालकोट जा रहे हैं, वज़ीराबाद जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा वज़ीराबाद अब हमें। माशाल्लाह अल्लाह इनको इनके कारनामे में बरकत डाले, ये पाकिस्तान रेलवे के ये अच्छी वाली चलती ट्रेन को लेट कर देते हैं। सवा घंटा लेट थी ये तकरीबन सारी बार, साहिवाल से लाहौर तक ही हो गई है 2.5 घंटे लेट, मतलब सवा घंटा और लेट हो गई है, तो मजीद लेट हो गई जा रही है। अब देखें आगे होती है। चलिए अब टक टक स्टार को हो गई है और आपको पता है बाग के नज़ारे देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये नज़ारे आपको सियालकोट तक नहीं आना हो तक तो मिलेंगे, उससे आगे मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता है। तो आपका खाना बहुत अच्छे से हजम हो। मैं कुछ नहीं खा गया यार, उसके लिए क्या होगा? मैं आपको उसके लिए क्या करना ये तो मुझे नहीं पता, खाना खाते देखते हैं। फिर तुम लोग पहले ही प्लान कर लेते, नाश्ता कर लेते वहाँ पे, और इतना पता था सवा घंटे लेट आ रही है, पता तो इसका भी था ना। हम 9:10 बजे आ जाते।
यहाँ पे नहीं, जहाँ पे बाइक से हम पैदल से उतर के गए थे वो भी अगला ही था, जब बारिश हुई थी पानी पैदल नहीं, जब हम अंदर अंदर से भी एक जहाँ पे गए थे श्री राम, श्री राम ये छोटी सी डिस्कशन थी मेरी बिलाल और मोहसिन की टू ट्रैवल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और रेगुलर चीज़ों को हम लोग, हम में से किसी ने पहले यहाँ पर ट्रैवल नहीं किया हुआ था एक्सेप्ट बिलाल, लेकिन वो भी नारोवल तक गया था अगेन जिसने ट्रैवल नहीं किया। तो मैं सियालकोट के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ से आप फ्रेट ट्रेन चला सकते हैं जो कि माल उठाकर कराची पोर्ट तक लेके जाए इंस्टेड ऑफ ट्रक्स, लेकिन इसके लिए अकल की ज़रूरत है और अकल हम सिर्फ करप्शन में इस्तेमाल करते हैं, सीधे कामों में इस्तेमाल नहीं करते। तो इस रूट को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, लाहौर से सियालकोट बाय रोड अगर आप जाएं मोटरवे से तो 1.5 घंटा, लाहौर से सियालकोट बाय ट्रेन अगर आप जाएं तो 5 घंटे। तो किस कुत्ते ने काटा है उनको कि हम लोग ट्रेन पर ट्रैवल करें, मतलब कि हम लोग तो पागल हैं ना, हम लोग रेल लवर हैं, तो हम तो जाएंगे। लेकिन एक बंदा जिसने लाहौर सियालकोट आना जाना है किसी काम से, तो वो क्यों जाएगा, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, बस सोचने की बात है मेरी या आपके लिए नहीं, ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए, क्योंकि इस मुल्क को चला रहे हैं, चलाते आए हैं या आगे चलाएंगे उन लोगों के लिए। फिर मेरा इख्तलाफ ये है, आप मोटरवेज के लिए फ़ंड इशू कर रहे हैं लेकिन आप रेलवे के लिए या रेलवे की रिहेबिलिटेशन के लिए फ़ंड इशू नहीं कर रहे, उसके लिए आपके पास फ़ंड नहीं है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये समझ से बाहर है। रेलवे की रिहेबिलिटेशन के लिए आपको चाइना की मदद की ज़रूरत है और जो आप बाहर से आपको कर्जे आ रहे हैं, बाहर से आपको एक फ़ंड आ रहा है, ऑब्वियसली मैं इससे एग्री करूँगा कि वो डेवलपमेंट फ़ंड नहीं होता, वो आपके रिजर्व के लिए होता है, लेकिन फिर जो आप टैक्स जमा कर रहे हैं हर शहर में बाद आप एक आवाज़ आती है कि हमने इतना बिलियन टैक्स इकट्ठा किया है, वो टैक्स कहीं लगा हुआ अभी तो नज़र आए। हम लोगों को टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ उस टैक्स के अगेंस्ट इस तरह की हैं तो फिर प्रॉब्लम है। 15-16 बोगी जिस ट्रैक पर ट्रैवल कर रही हैं और 5 घंटे किस तरह गुजरे मैं जानता हूँ। एनीवेज फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर कुछ लोग इमरान खान के यहाँ पे हामी है, मैं कोई इमरान खान या नवाज शरीफ का हामी नहीं हूँ, इस मुल्क के लिए मैं फील करता हूँ और तो आप लोग भी फील करें और इसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि कुछ बेहतरी आ सके, हमारे दो हमारी नस्ल ना देखे लेकिन जो हमारी अगली नस्ल है एटलीस्ट वो इसको
بہتری کو فیل کر سکیں. تو خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف لش بھی بہت ہی خوبصورت موسم, رینی ویدر, ڈرزلنگ ہو رہی تھی, فین, دونوں طرف لہراتے کھیت, کھیتوں میں کھڑا بارش کا پانی اور ٹرین کی ساؤنڈ. اس سے بہتر کمبینیشن میرا نہیں خیال سے کوئی ہو سکتا ہے. اٹس بیٹر لو اسٹوری دین ٹوائلائٹ. اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اس ٹریول کو انجوائے کریں, اس ٹریک کو انجوائے کریں. ابھی ہم لوگ کوٹ مول چند سے گزرے ہیں, پھر سری رام پورہ آئے گا, پھر کالاختائی موڑ سے گزریں گے, پھر میں ناروال اسٹیشن, ایک کس کا کافی لمبا اسٹاپ ہے, وہاں پہ اتروں گا. اس اسٹیشن کا ایک پراپر ریویو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے انجن تک بھی جا سکیں. تو لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ آگے انجن کا وہ ویو نہیں لے سکتے. ہم لوگ کوئی بانی چلی بوگی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جتنا ویو لے سکتے ہیں اتنا ہی میں لے رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں پاسبل, کیونکہ بارش بھی تھی ہلکی سی اور موبائل کو بھی بچانا تھا. تو خیر اینی ویز, امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے تاکہ دوست آپ کو میری ویڈیو مل سکے. اچھا آج کل آپ نا میرے چینل پر ایک ایکٹیویٹی دیکھ رہی ہیں, وہ ہے میں نا لائیو گیم کھیل رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا چاہوں کہ میں میری جاب کی وجہ سے زیادہ ٹریول نہیں کر پا رہا ہوں. تو یوٹیوب کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈالتے رہنا ہے. اب میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ملتا مجھے کہ میں آفس سے میں تقریباً 11:30 گھر پہنچتا ہوں رات کو, تو میں 11:30 گھر پہنچوں, اس کے بعد ویڈیو ایڈٹ کروں, پھر اس کو اپلوڈ کروں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے میں ویڈیو جو لائیو جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہوں اگین. اب یہ بھی دیکھیں میں لائیو کھیل رہا ہوتا ہوں, میں اس کو اسکرین ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کرتا, مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے سیٹرڈے کو بیٹھوں, 3-4 ویڈیوز میں ایڈٹ کر دوں, لیکن سیٹرڈے سنڈے کہیں نہ کہیں کوئی فیملی ٹائم دینا پڑتا ہے, نکلنا پڑ سکتا ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کہیں پہ آنا جانا پڑتا ہے, اس وجہ کی تو اس وجہ سے مجبوری ہے. کائنڈلی بیئر ود می, کوشش کروں گا کہ میں اب جہاں بھی ٹریول کروں وہاں پہ آپ کو ایک لائیو ویو دیتا جاؤں انسٹیڈ آف ایڈیٹنگ, کیونکہ جاب کے ساتھ میرے لیے چیز کنٹینیو رکھنا پاسبل نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ امپاسبل ہے, کوشش کی جا سکتی ہے اور میں کوشش کر بھی رہا ہوں. ایشو صرف اتنا ہے کہ ٹائم دینا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. ٹرین ٹریول میرا ایک پیشن ہے, میری ایک ہابی ہے, اس کو میں نے کنورٹ کیا, آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا, لیکن ابھی تھوڑا پرابلم ہے. کائنڈلی اس چیز کو سمجھیے گا, انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ مجھے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے کہ چینل بالکل ڈیڈ نہ ہو جائے, جو کہ ہو رہا تھا. میرے ڈیلی ویوز جو تھے وہ 1000 کے قریب, سوری 3 دن کے ویوز سے, 48 کے ویوز سے وہ 1000 کے قریب لگے ہوئے تھے. جو دوسری ویڈیو میں لائیو کھیل رہا ہوں اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ وہ جو ویوز ہیں میں تھوڑے سے انکریز ہو گئے اور 2000 تک پہنچ گئے ہیں. تو جیسے ہی میں ریگولر ہو جاتا ہوں میری ٹرین ویڈیوز میں, تو میں دوسری جو ویڈیوز ہیں جو کہ گیمنگ ویڈیوز ہیں اس کو پوسٹ کرنا بند کر دوں گا. اس کے لیے میرا ایک ڈفرینٹ چینل ہے گیم ورلڈ کے نام سے, اس کے ابھی 102 سبسکرائبر ہیں, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو اس چینل پہ دیکھیں گے. یہ ویڈیوز ٹرین کے لیے ہیں. ہاں اگر ان کیس خدا نحاس کہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں بچتا, تو پھر شاید میں نیکسٹ 6 منتھس میں اس کو دیکھوں گا. اگر میرے پاس بالکل ٹائم نہیں بچتا اور میں ٹائم نہیں نکال پاتا ویڈیوز کے لیے, ٹرین کی ویڈیوز کے لیے, تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ میں اس چینل کو کنورٹ کر دوں گیمنگ چینل پر, اور پھر جب کبھی مجھے ٹائم ملے, میں اپنا ٹائم مینیج کر پاؤں, تو پھر انشاءاللہ جو میرے ٹرین کا دوسرا چینل ہے جو کہ اکن کے پاس ہے, میں اس طرح ان کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کر سکتا, اس چینل پہ کام شروع کر دوں گا.
ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने चैनल उनको दे दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को नज़र आने के लिए, और नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैं कोई दूसरा चैनल बनाऊंगा और आप लोगों को उस चैनल से फिर मैं नज़र आऊँगा। लेकिन ये मैं 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ्स का मैं एनालिसिस करूँगा। अगर मैं इसको अपनी टेम्पो बनाने में मैं सक्सेसफुल हो गया तो फिर मेरा ये चैनल जो है वो ट्रेंड्स का चैनल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ फैंस, कुछ फॉलोअर्स, कुछ लोगों ने अनफॉलो भी किया है, लेकिन मजबूरी है। उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट, लेकिन मजबूरी है, वो मुझे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा। और मैं वो जो मेरी गेमिंग वीडियोज़ हैं वो मैं लाइव तब जाता हूँ जब कम से कम लोग व्यू कर रहे हों। लाइक मैं रात को 12:30-1 बजे के बाद खेलता हूँ, या मैं दोपहर में 4 से 5 के दरमियान खेलता हूँ। ये वो टाइम है जब आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होते। ये मुझे मेरे एनालिसिस यूट्यूब बताता है कि इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स नहीं आते। मेरे व्यूअर्स का टाइम है शाम 7 बजे से तकरीबन 10 बजे तक। तो आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, आप लोग एडजस्ट करेंगे जिसमें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप वीडियो पूरी देखिए और फिर आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
है।